हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एचआर एग्जीक्यूटिव्स और एचआर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज जॉब एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम जॉब एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं, उसके मीनिंग के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एंड एलिमेंट्स के बारे में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड हिट द लाइक बटन, सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज ऑन प्रायर बेसिस। थैंक यू। सो वॉट इज जॉब एनालिसिस, आइए सीख लेते हैं। अगर मैं जॉब एनालिसिस के बारे में बात करूँ, सो जॉब एनालिसिस रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक जॉब। मतलब किसी भी जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, वो जॉब एनालिसिस कहता है। एनालिसिस हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम सर्वे के थ्रू कर सकते हैं, हम ऑनलाइन क्वेश्चंस एड्स भेज के उस पर्टिकुलर जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जॉब एनालिसिस कोई एक ऐसा टर्म नहीं है जिसको हम कभी भी शुरू कर दें। इसके लिए एक सिस्टमैटिक वे हमें स्टार्ट करना पड़ता है। सबसे पहले हमें रिसर्च करनी होती है, ओके, उसके बाद हमें मार्केट से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। कोई इन्फॉर्मेशन हम इंटरनेट से लेते हैं कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन और क्या क्या स्किल्स जरूरी हैं। तो जब भी हम ये एनालिसिस करते हैं, मींस जब भी हम एक रिसर्च करते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में, इन ऑर्डर टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, दैट इज जॉब एनालिसिस। ओके, इट इंक्लूड स्किल रिक्वायरमेंट्स, रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वैलिड जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब एक अच्छे जॉब डिस्क्रिप्शन को बनाने के लिए जॉब एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए क्या क्या स्किल्स की जरूरत होंगी, क्या क्या रोल्स की जरूरत उसको करने की नीड होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या आपको करनी है, ओके, और किन किन इंटरव्यू प्रोसेस से आपको अंडरगो होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दैट पर्टिकुलर जॉब। ओके, आइए आगे देखते हैं। जॉब एनालिसिस ऑल्सो गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द फिजिकल, इमोशनल एंड रिलेटेड ह्यूमन क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द जॉब सक्सेसफुली। यानी कि इसके अंदर हमें उन सारे स्किल्स के बारे में और वी कैन से सारी क्वालिटीज के बारे में पता चलता है जो कि जॉब को सक्सेसफुली करने के लिए जरूरी है। मीन्स कुछ ऐसी जॉब्स होती है जहाँ पे हमें इमोशनली स्ट्रांग होना होता है, ओके, जैसे कि मैनेजर की जॉब, ओके, जैसे कि एचआर एग्जीक्यूटिव की जॉब। यहाँ पर हमें क्या होता है, यहाँ पे हमें इमोशनली लोगों से कनेक्ट होना होता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें इमोशनली अपने आप को कंट्रोल भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इमोशनल कंट्रोल नहीं होंगे, एक टर्म होता है इमोशनल रेजिलियंस, अगर हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम उस जॉब को परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, सो इसके अंदर इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है कि किस पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना डिग्री ऑफ एक्सटेंड फिजिकल रिसोर्सेज, इमोशनल एंड रिलेटेड ह्यूमन क्वालिटीज रिक्वायर्ड होती है। ओके, जॉब एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इंश्योरिंग दैट द राइट कैंडिडेट इज सिलेक्टेड। मतलब ये इसमें भी हमारी हेल्प करता है कि हमने एक सही व्यक्ति को चुना है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने रॉन्ग कैंडिडेट को हायर कर लिया हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक नेक्स्ट अलग ही लेवल पर लेके चला जाए, ऑर्गेनाइजेशन हमारा डिसीज हो जाए। तो ये इसको भी ध्यान में रखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इट ऑल्सो हेल्प द एम्प्लॉयर इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, चूजिंग कंपनसेशन एंड बेनिफिट एक्सेट्रा। जॉब एनालिसिस से हमें ये पता चलता है, या हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर को ये पता चलता है कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट करनी है, क्या क्या टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, किस तरीके से एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मैनेज करना है, कितने प्रकार के उन्हें हमें बेनिफिट दे सकते हैं, कितना रिवॉर्ड दिया जाना है, ये सब हमारा जॉब एनालिसिस के अंदर टेस्ट किया जाता है और वी कैन से ये सारा मेंशनड होता है। और ये सेम एज एम्प्लॉयज की भी हेल्प करता है ये पर्टिकुलर उसको समझाने के लिए कि उसको एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या रिक्वायर्ड मांग रहा है अपने एम्प्लॉय से इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर जॉब और वी कैन से टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब। ओके, सो इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस, यानी कि कैथ डेविस जो कि एक प्रोफेसर हैं, जो कि एक मैनेजमेंट के, इनको हमें एक मैनेजमेंट के कंसल्टेंट भी कहा जाता है, कैथ डेविस के अनुसार जॉब एनालिसिस इन्वॉल्व्स गैदरिंग डेटा अबाउट ऑब्जर्वेबल जॉब बिहेवियर्स। मतलब जो लोग जॉब पे बिहेवियर करते हैं, जैसे कि मतलब वो इंट्रैक्शन करते हैं एम्प्लॉयज के साथ, उनके वर्क प्लेस कल्चर को किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो जॉब एनालिसिस क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम एक डेटा को गैदर कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं लोगों का, एम्प्लॉयज का, एंड डिलिनेटिंग द नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स नीडेड टू परफॉर्म द जॉब।
डिलिनेटिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि हम एक एनग्रेव कर रहे हैं, उन सारी बाउंड्रीज को बता रहे हैं जो कि जरूरी है पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब एनालिसिस, सो वी विल बी कवरिंग इट वन बाय वन। ओके, सो जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ जॉब इज कलेक्टेड एंड देन द टास्क विच आर टू बी परफॉर्म आर आइडेंटिफाइड। मतलब जॉब एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एक जॉब के लिए इकट्ठा करते हैं। सपोज लेट्स से हम एग्जाम्पल लेते हैं अकाउंटेंट की जॉब। अब अकाउंटेंट की जॉब को करने के लिए आपको टैली आना चाहिए, ओके, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ओके, आपको नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए। ओके, सो जॉब एनालिसिस क्या होता है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हम इकट्ठा कर रहे हैं अलग अलग जॉब के एक्सपर्ट्स के बारे में, और बाद में उसको आइडेंटिफाइड कर रहे हैं उन सभी टास्क को जो कि एक जॉब में परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे कि अकाउंटेंट के जॉब में आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, ठीक है, आपको टैक्स को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, आपको टाइम टू टाइम सारे लॉस को कंसिडरेशन में रखना चाहिए इन ऑर्डर टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब। ओके, इट डिफाइन्स द रोल, कंटेक्स्ट, कंडीशंस, बिहेवियर, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ जॉब इन अ सिस्टमेटिक मैनर। मतलब जॉब एनालिसिस क्या करता है, ये वो सारी चीजों को डिफाइन कर देता है जो कि एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए जरूरी है इन अ सिस्टमेटिक मैनर। जैसे कि रोल, किस परिस्थिति में उसको काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्या बिहेवियर चाहिए किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, क्या क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको मेट करने होंगे, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसको आपको परफॉर्म करना होगा इन ऑर्डर टू स्टक इन दैट पर्टिकुलर जॉब। ओके, तीसरा, इट मेजर द वैल्यू एंड कंट्रीब्यूशन दैट अ जॉब मेक्स टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जॉब एनालिसिस से हमें यही पता चलता है कि एक पर्टिकुलर जॉब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं द पोस्ट ऑफ CHO और वी कैन से द पोस्ट ऑफ CEO, सो वी कैन एस्टिमेट दैट हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो जॉब एनालिसिस इसको भी डिफाइन करता है कि कितना एक बंदा एक पर्टिकुलर जॉब से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, पांच, चौथा, इट इस्टेब्लिशेस इंटरकनेक्शन बिटवीन वेरियस जॉब्स विच आर परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यह करता है अलग अलग जॉब्स के बीच में एक इंटरकनेक्शन को भी शुरू करता है। मीन्स ये क्या करता है कि जैसे कि मान के चलिए अगर पोस्ट है अकाउंट एग्जीक्यूटिव की, जैसे कि लेट्स एग्जांपल पोस्ट है एचआर एग्जीक्यूटिव की, तो ये एक उससे संबंधित जितनी भी जॉब्स हैं जैसे कि एचआर इंटर्न हो गया, एचआर असिस्टेंट हो गया, उसको इंटरकनेक्ट करता है कि अगर आपके अंदर ये स्किल्स हैं तो आप इस जॉब्स को भी कर सकते हैं। तो ये क्या करता है अलग अलग जॉब के बीच में एक इंटरकनेक्शन को भी बनाता है। ओके, इट ऑल्सो डेवेलपिंग अ प्रोफाइल ऑफ द जॉब विच एक्ट एज अ बेसिस फॉर डेवेलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। मतलब एक दो टर्म्स होते हैं जो कि जॉब एनालिसिस के अंदर हमें कंसीडर करने होते हैं, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये उनको भी प्रिपेयर करने के लिए एक आधार हमें देता है। ओके, सो आई होप यू हैव बीन क्लियर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब एनालिसिस। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब एनालिसिस, सो ऑब्जेक्टिव क्या है जॉब एनालिसिस का, सबसे पहले वर्क को सिंप्लीफाई करता है ये, दूसरा स्टैंडर्ड्स को सिंपली इस्टेब्लिश करता है, और तीसरा सपोर्ट अदर एक्टिविटीज। मींस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे टास्क होते हैं या हम कह सकते हैं कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनको करने में बहुत टाइम लगता है जो कि काफ़ी लॉन्ग होते हैं, तो जॉब एनालिसिस की मदद से हम वर्क को सिंप्लीफाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक प्रोजेक्ट है, ओके, अब उस प्रोजेक्ट को करने में 6 महीने लग रहे हैं, और तो हमें ये पता चलता है जॉब एनालिसिस के, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उस काम को छोटे छोटे ड्यूरेशन में बांट सकते हैं कि पहले मंथ में आप इस बंदे से काम करवाएंगे, दूसरे मंथ में ये 3 व्यक्ति उस काम को कर लेंगे। तो ये क्या करता है जॉब एनालिसिस, एक पर्टिकुलर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई कर देता है। ओके, इन ऑर्डर टू मेक अ क्लियर पोजिशनिंग इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज दैट वॉट दे एक्चुअली नीड टू परफॉर्म। ओके, सेकेंड, ये स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स को भी स्टैब्लिश करता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है, आपकी बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ओके, आपके आपके पास किसकी कितनी 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 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड्स को भी सेट करता है जॉब एनालिसिस। तीसरा, ये अदर एक्टिविटीज को भी सपोर्ट करता है। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं जिनमें कुछ एक्टिविटीज का योगदान काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जॉब एनालिसिस से क्या होता है अदर एक्टिविटीज को भी करने में काफी हेल्प मिलती है।
So these are the three main objective of job analysis, that is work simplification, establish standards, and support other activities. Okay. Now, if I talk about the elements of job analysis, so what are these? First is job description and job specification. Okay. Let's say if I talk about job description. So a job description contains the following components, that is job title, job purpose, job duties, responsibilities, the required qualification, preferred qualification, and working conditions. Means a job description is a document that clearly defines all the parameters that is required to perform that particular job. On the other end, if I talk about job specifications, so it defines clearly a listed, or we can say a minimum qualities that is required to perform that particular job. That is educational qualification kitni aapko chahiye, theek hai, experience aapke paas itna hona chahiye, skills and abilities, or we can say proficiency aapke paas honi chahiye kisi bhi job ko karne ke liye. For say agar main aap pe manager ki job kehta hu, to manager ki job ke liye aapke paas kam se kam PhD honi chahiye. ओके, एक्सपीरियंस आपके पास 10 to 5 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए. तीसरा, स्किल्स आपके पास बढ़िया बढ़िया स्किल्स होनी चाहिए. ओके, इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब. ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों.